Subscribe my YouTube channel Can I Help You Online and press bell icon. Watch my latest video. Click red subscribe button my YouTube channel Can I Help You Online. And watch my latest video. Hi दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार यादव है. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स का जो हम ITR 1 फील करते हैं, तो जब ITR 1 फील करते हैं तो उसमें अंडर सेक्शन 89 के तहत हम रिबेट कैसे लेते हैं उसे. तो हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि अंडर सेक्शन 89 के तहत रिबेट कैसे लिया जाता है. तो सबसे पहले आपका ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल क्रोम. और उसमें ई फाइलिंग के ऑप्शन में आप जाइए, इनकम टैक्स ई फाइलिंग. ये आपका ई फाइलिंग का पेज ओपन हो चुका है. तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले से ही रजिस्टर्ड यूजर हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लॉगिन हियर. लॉगिन हियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर फिल कर दूँगा और यहाँ पे मेरा पासवर्ड. और यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ. इंटर द कैप्चा, ये आप जरा केयरफुली फिल कीजिए. इनवैलिड, शायद मेरा गलत हो गया है, तो फिर यहाँ पे मैं री लॉगिन कर रहा हूँ. और आप एंटर द कैप्चा कीजिए. ये देखिए, मेरा लॉगिन ओपन हो चुका है ई फाइलिंग का. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर ITR ई फाइल करते हैं, तो हमें यह ध्यान में नहीं होता है कि जब हम किसी भी प्रकार का रिबेट लेते हैं. फॉर एग्जांपल एरियस हो गया, तो एरियस हमें मान लीजिए पहले का एरियस इस साल में मिला. फॉर एग्जांपल 2011-12 में जब मैं सर्विस में था तो उस समय मुझे कुछ एरियस मिला था, उस समय का एरियस था जो कि मुझे फिनेंशियल ईयर 14-15 में मिला है. और तो फिर मैं ये देखूंगा कि उसे 14-15 में कैसे फील करते हैं. तो सबसे पहले तो आप लोग अक्सर लोग क्या करते हैं कि ई फाइलिंग में जाके ये क्विक ITR फाइल कर देते हैं उसमें. तो देखिए यहाँ पे ये मेरा है, ये तो मैंने तो इस प्रकार से किया था जो कि मुझे भी नहीं पता था फ्रॉम प्रीवियस. यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89. तो फिर मैंने क्या किया, जो 11-12 का मेरा एरियस था जो कि मुझे 14-15 में प्राप्त हुआ, तो वह एरियस मैंने क्या किया कि यहाँ पे फिल करके ITR फाइल कर दिया. तो कुछ समय के बाद मुझे रिफंड तो मिला, बट वो रिफंड नहीं मिला जो मैंने यहाँ पे फिल किया था. यहाँ पे फिल करने के बाद तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटीमेशन प्राप्त हुआ. उसमें आप देखेंगे कि अंडर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एज प्रोवाइड बाय एज कंप्यूटेड अंडर. तो फिर यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने फील किया था अंडर सेक्शन 89 के तहत, मेरा एरियस का रिलीफ था 12,190, लेकिन वह उन्होंने अमान्य कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने.
तो फिर आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि लोग क्या समझते हैं कि मैंने वो जो भी मुझे 10E फॉर्म मिला था मेरे एम्प्लॉयर से, वो उसमें जो भी फिगर है रिलीफ का, वो मैं यहाँ पे ITR 1 में फिल कर दूंगा और मुझे मेरा रिफंड मिल जाएगा। बट सर ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उसके लिए अलग से सेक्शन है। आप ई फाइलिंग में जाके, ई फाइलिंग के ऑप्शन में जाकर आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन फॉर्म अदर देन ITR, तो ITR के अलावा आपको 10E फॉर्म इंडिविजुअली फिल करना है इसे। तो देखिए आपका ये पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे 10E पे क्लिक कीजिए और असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए जो मैं फिल कर चुका हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आप रीड कर लीजिए केयरफुली। अब फॉर्म 10E, तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम पहले से आ चुका है। मैं अपना पता फिल कर देता हूँ, जो भी मेरा पता है। यहाँ पे मेरा नेम ऑफ द प्रिमाइसेस, वो भी 16 श्वेता अपार्टमेंट रोड, ये देखिए जो भी, ये मेरा पहले से फेल था। हाँ नहीं, ये फेल कर दिया मैंने। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या फिल करना है हमें। तो जैसा कि आपको बता दूँ कि आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक फॉर्म मिला होगा 10E फॉर्म, तो फिलहाल तो मुझे ऐसा फॉर्म मिला है 10E। देखिए 10E फॉर्म ये आपके एम्प्लॉयर देंगे जहाँ पे आप जॉब करते हो, आपके मालिक। तो यहाँ पर फर्स्ट एक कॉलम में जो भी सैलरी है आपकी, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, तो आपको इतना एरियर्स प्राप्त हुआ है, 2011-12 का एरियर्स सर, फाइनेंशियल ईयर 14-15 में प्राप्त हुआ है, तो आप ये फिगर यहाँ पे फिल कीजिए। ये आपने यहाँ पे फिल कर दिया, यह उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0000 फिल कीजिए। और आप इसके साथ क्या जोड़ोगे, Annexure 1। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर Annexure 1 है, Annexure 1 भी ये देखिए Annexure 1 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना प्लेस फिल कीजिए। अब आ जाइए आप Annexure 1 में। Annexure 1 देखिए, अब आपको Annexure 1 यहाँ से फिल करना है। यह हो गई आपकी टोटल इनकम 361045, 361045 आपने फिल किया। सैलरी रिसीव्ड इन एरियस एडवांस, तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम नंबर 2 में सैलरी रिसीव्ड इन एरियस और एडवांस, जो आपको 11-12 का पैसा 14-15 में मिला, वो आप फिल कीजिए यहाँ पे। वो आपने फिल कर दिया, यहाँ पे उसके टोटल आ गए। टैक्स ऑन टोटल इनकम जो कि उस समय का और इस समय का दोनों पैसा मिलाकर आपका टैक्स आ रहा है 21,568 रुपया, 21,568 टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम 9,378 रुपया। यह आपको वह काट कर यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर मीन्स आपको किस साल का पैसा है वो, तो यह पैसा मुझे 11-12 का है, तो फिर मैंने 11-12 फिल किया। यहाँ पे टोटल इनकम द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस समय मेरी मेरी सालाना आय थी 26,600, तो फिर मैं यहाँ पे 26,600 फिल कर दूंगा, सॉरी 600 फिल कर दूंगा। और मुझे कितना एरियर्स प्राप्त हुआ, तो 1,18,355, 1,18,355। ओके, यहाँ पर मैं उस समय
उस समय मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं था, इसलिए मुझे कोई टैक्स नहीं लगा था। तो आप इसे सेव एज ड्राफ्ट कीजिए। हाँ, अब आप देखेंगे कि आप अब बाकी तो फिलहाल तो आपको नहीं पढ़ना है, एनेक्सर 2A आप इसको छोड़ दीजिए। तब आप देखेंगे जब आप इसे सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपको ऐसा 10E फॉर्म कंप्यूटराइज जनरेट होके आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे दिखेगा। आप उसे डाउनलोड करके आप फाइल कर लीजिए, अपने आप फाइल में रख लीजिए इन द फ्यूचर, कि अगर आपको आपका असेसिंग ऑफिसर कभी पूछे इन द फ्यूचर कि आपने यह कैसे किया, क्या कैसे, तो आप उसे ये दिखा सकते हो। और प्लस आपको यह रिसिट मिलती है जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करोगे यहाँ पे। अभी मैंने तो भर दिया है इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा, ये सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन आप अपना सबमिट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिट प्राप्त होगी, वो इस प्रकार से दिखेगी। अनिल कुमार यादव, ये मेरा पैन नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसे आप संभाल के रख दीजिए। और ये देखिए, जहाँ पे ई रिटर्न फॉर्म्स आपके दिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे गए, आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, व्यू रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, तो यहाँ पर देखिए जो कि मैंने 11 जुलाई 2015 को भरा है, मैंने ITR फिल किया है उस दिन 11 जुलाई 2015 को, लेकिन उसके उस अंतराल में मैंने 10E फॉर्म इंडिविजुअली भरना मिस हो चुका था, मीन्स मुझे उसकी जानकारी नहीं थी मुझे, इसलिए मैं फिल नहीं कर पाया, इसलिए मेरा रिफंड भी नहीं प्राप्त हो पाया। तो देखिए, ये देखिए आपका, ये मैंने कल फिल किया है, तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ई फाइल्ड, जो कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे ये रिसिट प्राप्त होगी, ये रिसिट प्लस ये मेरा 10E फॉर्म, ये आप संभाल के रख दीजिए। और यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने प्रीवियस ITR फिल किया था, इसके पहले जो ITR 1 फिल किया था, आप देखेंगे कि उसमें मैंने क्लेम किया हुआ है 89 के तहत। ये देखिए, यहाँ पर मेरा रिफंड था 14,770 89 दिलीप, देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है, बट यह पैसा मुझे रिफंड नहीं हुआ। तो आप अपनी जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी यह चीज़ें अधिकतर पता नहीं होती किसी को, और वो क्या समझते हैं कि हमने तो अपना फिल कर दिया है, तो जब हमने अपना फिल कर दिया है ई फाइल में तो हमें हमारा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन तब बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर इंटीमेट करता है आपको। देखिए, ये फॉर्म आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, आप जब ITR फाइल करते हो उसके 1-2 महीने बाद, एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद। तो देखिए यहाँ पर यह ब्यौरा आपने भरा है और यह उन्होंने मान्य किया है, यह आपने भरा है, यह उन्होंने मान्य किया है, यहाँ पर भरा तो है 89 दिलीप, लेकिन उन्होंने अमान्य कर दिया, क्योंकि मैंने पर्सनली जाकर यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन फॉर्म ITR अदर देन ITR ये नहीं फिल किया था, तो अब मैंने इसे फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है मैंने इसे, और वह तो इसी प्रकार से आप जो आप जिस प्रकार का बेनिफिट लेते हो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स है, आप उसे फिल करने के बाद ही ITR भरिए, नहीं तो फिर जो भी आपका रिफंड है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है मेरी। ओके दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे, मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और सारी अच्छी अच्छी जानकारियों का वीडियो बनाकर दिखाऊंगा।
अब के लिए बस इतना ही। ओके बाय दोस्तों।